अस्सलाम वालेकुम, कैसे अमीर करता हूँ, सब ठीक होंगे। फिर हाफ के जी हमने चिकन का कीमा लिया है। आज हम बनाए हैं कीमे वाले समोसे। तो ये हमारे पास कीमा है, इसको हमने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी, उसके अंदर कीमा डाल दिया, हाफ के जी कीमा है। इसके अंदर हम थोड़े से मसाले ऐड करते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर ऑयल डालना है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन अदरक डालते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये हमारे पास है 1.5 टेबल स्पून के करीब हमारे पास धड़ा मिर्च है लाल, तो 1 टीस्पून के करीब हमारे पास है साबुत धनिया, 2 चुटकी ज़ीरा, 2 चुटकी हमारे पास है गरम मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब, 1 चुटकी हमारे पास है कलवंजी, 1 चुटकी हल्दी है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा हमारे पास चॉप किया हुआ 1 प्याज है, ये भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, ये भी ऐड कर देते हैं। कीमे को हमने बस हल्का सा इसको भूनना है, बाकी और हमें इसको कुकिंग करना, इसके अंदर मसाले ऐड करके हल्का सा इसका बस कलर चेंज हो जाएगा। उसको फुल कुक नहीं करना, हाफ कुक करना, फिर हमें ये समोसों के अंदर जब डालेंगे फिर समोसे फ्राई होंगे फिर भी ये कुक होगा, तो फुल कुक हम इसको इसलिए नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्चें हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं, इससे पुदीने से कुछ बहुत बड़ी अच्छी आती है। ये हाफ लीमू लिया है, हम इसका रस भी ऐड करते हैं। ये देखें, जो हमारा कीमा जो है समोसों के लिए तकरीबन तैयार हो चुका है, बेसन में ड्राई हो चुका है, इसका पानी सारा सूख हो चुका है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे, किसी और बर्तन में उठा देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको ठंडा करते हैं, जिन देर ये ठंडा होगा उतनी देर हम इसकी पट्टियाँ बनाते हैं, आटा गूंथते हैं मैदे का, जिससे ये पट्टियाँ बनाते हैं समोसा पट्टी। ये हो चुका तैयार, तो खुशबू के लिए हम इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें कटी हुई करीब थोड़ी सी डाल देते हैं। धनिया पुदीना आपने जो अच्छी तरह धो के डालना है, ये देखें ऊपर हरा हरा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमने ये एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर हमने तकरीबन ये 1/2 कप जो घी गर्म करके इसके अंदर डाल दिया, घी डालना है, ऑयल नहीं डालना। 1/2 कप हमने ऑयल डाला, अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे। जी आप देख सकते हैं इस ऐसे कप भर के इतना हम इसके अंदर तकरीबन 3 कप के करीब जो है मैदा डाल देंगे। तो हमने 3 कप इसके अंदर मैदा डाल दिया है, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हैंड की मदद से। ये हम डो से बना लेते हैं मिक्स करके अच्छी तरह, इस तरह करके इसको अच्छी तरह गूंथेंगे। फिर अब थोड़ा सा पानी का छटा लगाएंगे, ये देखें हमारी सख्त जो डो बन रही है। आपको हमारा ये ब्लॉग, ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे ब्लॉग, हमारी वीडियो देखते हैं, आपकी हफ्तों का शुक्रिया। अल्लाह आपको उसके जजाए खैर दे, अल्लाह आपको उसका अजर दे, सबके रोज़े जो हैं अच्छे गुजरे होंगे, और रमज़ान के महीने में हमें बहुत बहुत ज़्यादा नेकियाँ, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये देखें जी, इसके अंदर हम अब थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, ये देखें थोड़ा सा हमने ज़ीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक भी ऐड करते हैं। थोड़ा सा हमने नमक भी ऐड कर लिया, थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर लिया, इस तरह करके ये देखें आप अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो नमक ना डालें। ये देखें हमारी ये डोसी बन चुकी है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये देखें मुसलसल 5 मिनट की मुसाफत से, 5 मिनट मुसलसल गूंदने से ये हमारा बन चुकी है डो, बड़ी नरम सी। तो आप इसको कम खस्ता रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा घी कम डालें। अब हम इसको लंबा लंबा काट के इसको काटेंगे, फिर इसकी रोटियाँ बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरह अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, पट्टी जिसको बोलते हैं, पट्टी बनाएंगे समोसे की। तो इस तरह इसको आपने थोड़ा सा खुशका लगा के, तो बेलने की मदद से इसने आपने इसको इस तरह बेल लेना है। थोड़ा सा लंबा रखना, गोल नहीं रखना, क्योंकि आपने समोसे बनाने हैं। तो हम छोटे समोसे बना रहे हैं, बड़े नहीं बना रहे, बड़े बना रहे इसको थोड़ी सी और बड़ी कर लो, हम छोटे बना रहे हैं तो इसलिए। ये देखें जी, इस तरह करके अच्छी तरह इसको बेल ली है, ये एक हो गई है। इस तरह हम दूसरा पेड़ा पकड़ते हैं, और डो पकड़ते हैं, उसको भी इस तरह करके थोड़ा सा खुशका लगाएंगे, फिर इसकी भी रोटियाँ, रोटी इस तरह बनाएंगे। ये देखें जी, इस तरह करके अच्छी तरह आपने सारे जितने भी आपका मैदा है
उसके आपने बना लेनी है। ये देखें जी, इस तरह हमने सारा जो कर लिया है, अब इसको दरमियान से छुरी की मदद से काटेंगे, काट दिए। अब इसके समोसे बनाते हैं चिकन के कीमे वाले। ये हमारे पास जो चिकन का कीमा था इसके अंदर लगाते हैं, तो इस तरह हम इसको पकड़ेंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे हम इसको पानी लगाएंगे ऐसे, फिर रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे। इसके अंदर फिर हम ये कीमा डालते हैं जिसमें हमने चिकन का कीमा लिया था, इसके अंदर भर दिया है अच्छी तरह। इसको भर के प्रेस करके फिर यहाँ से इसको दबाएंगे ऐसे ऐसे। ये हमने दबा दिया है। ये देखें हमारा मज़ेदार सा कीमे वाला समोसा जो है तैयार हो चुका है। इसी तरह हम इसे आगे वाला पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ा इसको, ऐसे हाथ पे रखा, यहाँ इसको थोड़ा सा पानी लगाया, ऑयल भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं। फिर इसको स्ट्रेट ऐसे किया, इसको यहाँ से दबा दिया, फिर ऐसे पकड़ा। फिर हम इसके अंदर कीमा भरते हैं, तो कीमा ज़्यादा नहीं भरना, थोड़ा नॉर्मली भरना है। तो ये डो हमारी माड़ी थोड़ी सी पतली है, आप इसको गाढ़ी भी रख सकते हैं, मैदा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें। अगर पतली से आप बना सकते हैं तो वो बना लें। ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा ये भी समोसा तैयार हो चुका है। इस तरह हम सारे समोसे बना लेते हैं। ये जी हमारे मज़ेदार से ये चिकन के समोसे तैयार हो चुके हैं। आलू का मिक्सचर बना के वो भी भर सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल के भी बना सकते हैं। माशाल्लाह हमारे मज़ेदार से समोसे तैयार हो चुके हैं, चिकन समोसे। ये हमने एक फ्राई पैन लिया, उसके चूल्हे के ऊपर रखा, तो इसका नॉर्मल जो है ऑयल गर्म हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर इस तरह ये समोसे डालेंगे। ये देखें हमारे मज़ेदार से समोसे चिकन। ये मज़ेदार से हमारे समोसे जो हैं फ्राई हो रहे हैं, हल्की आंच पे हम करने हैं, नॉर्मल आंच पे, तेज आंच पे नहीं करने। अब हम इनको चेंज करेंगे। ये समोसे हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, निकाल के हम। ये देखें हमारे मज़ेदार से जो समोसे हैं तैयार हो चुके हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अपना और अपने सेहत का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।